चोर भट्टी गांव में रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट कर युवक की हत्या। दो आरोपी को जयजयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयजयपुर पुलिस ने चोर भट्टी गांव में रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट कर युवक की हत्या करने वाले दो आरोपी को गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपी को नई रिमांड भेज दिया है। मारपीट से युवक घायल हुआ था और इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या का जुर्म दर्ज किया है। जयजयपुर पुलिस के मुताबिक चोर भट्टी गांव में कुछ दिन पहले रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और घायल युवक श्यामलाल कृष्ण की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। मृतक श्यामलाल कृष्ण ने जयजयपुर निवासी उमेश चंद्रा से 1500 रुपए उधारी में लिया था। उधार में दिए पैसे को वापस मांगने पर उमेश चंद्रा ने अपने साथी सुरेश चंद्रा के साथ युवक के घर पहुंचा, तब श्याम कृष्ण घर में नहीं था। तभी रास्ते में श्याम कृष्ण मिल गया, जहां पर उमेश चंद्रा और सुरेश चंद्रा दोनों श्याम कृष्ण से रुपए की मांग करने लगे। श्याम कृष्ण ने रुपए नहीं होने की बात कही, तब दोनों आग बबूला हो गए और श्याम कृष्ण को मारपीट करने लगे। मारपीट से श्याम कृष्ण को काफी चोट आई थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां श्याम कृष्ण की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी उमेश चंद्रा और सुरेश चंद्रा को गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302, 294, 323, 506 और 34 के तहत जुर्म दर्ज कर दोनों आरोपी को न्यायिक रिमांड भेज दिया है।